नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। लद्दाख की गलवान घाटी की घटना ने भारत चीन युद्ध 1962 और 1967 की घटना को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। इन घटनाओं को लेकर यदि इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो एक ऐसी शख्सियत का नाम आता है जिससे जोश, जज्बा और जुनून सिर चढ़कर बोलने लगता है, जिनका नाम है जनरल सकत सिंह। 1967 में नाथुला में ऐसी जंग हुई कि चीन के छक्के छूट गए। इस जंग के हीरो थे सकत सिंह। सिक्किम के नाथुला में 1967 में चीन से हुई जंग में भारत जीता था। जीत के हीरो थे राजस्थान के लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह राठौर। सामरिक लिहाज से नाथुला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण था। चालबाजी करते हुए चीन ने भारत की पोस्ट पर हमला बोल दिया था। तब चीनी सेना के सामने चट्टान की तरह एक शख्स खड़ा था जिसकी अगुवाई में भारतीय सेना के जवानों ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। उस शख्स का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह, जिसे याद करके चीन की सेना आज भी सहम जाती है। जिस जाबाज ने चीन को पहली बार धूल चटाई, योद्धा ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, जिस शूरवीर के नाम से आज भी दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, चीन को पहली बार मात देने वाले महायोद्धा की महाकथा। जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह। गलवान घाटी में विश्वासघात की नई इबारत लिखने वाला चीन आज भी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह का नाम सुनकर कांप उठता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह की अगुवाई में ही 1967 में भारतीय सेना ने सिक्किम के नाथुला में चीन की सेना को चारों खाने चित कर दिया था। 1962 के बाद हवा में उड़ रहे चीन को लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह की अगुवाई में सेना ने ऐसा सबक सिखाया कि वो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आज हम उसी महायोद्धा की गौरव गाथा आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह की बहादुरी और अद्भुत युद्ध कौशल के साथ 1967 में भारत के हाथों चीन की पहली बार हार की पूरी कहानी सुनाएंगे, जिसकी शुरुआत होती है 1965 से। 1965 में उस समय मेजर जनरल रहे सकत सिंह को 17 माउंटेन डिवीजन की कमान सौंपी गई थी। 17 माउंटेन डिवीजन पर भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी थी। उस समय पाकिस्तान 1965 की जंग में भारत के हाथों हार की कगार पर पहुंच चुका था। फिर उसने चीन के सामने गुहार लगाई। पाकिस्तान का साथ पाकर चीन जोश में आ गया।
वो सिक्किम के नाथुला पोस्ट को खाली करने के लिए भारत पर दबाव डालने लगा। हिंदुस्तानी सैनिकों, सिक्किम चीन का है, इसलिए तुम लोग नाथुला छोड़ दो, वरना 1962 वाला हाल करेंगे। दबाव बढ़ाने के लिए चीन के जवान 1962 की तर्ज पर सिक्किम के नाथुला सीमा पर भारतीय जवानों से झड़प करने लगे। लेकिन मेजर जनरल सगत सिंह की अगुवाई में भारतीय जवानों ने चीन के सेना को धक्के देकर बंकर में वापस भेज दिया। लेकिन चीन कहां मानने वाला था। जब 67 में जब बॉर्डर मार्क करने के लिए चाइनीज आर्मी हमारे इलाके के अंदर आ जाती थी, तो उसको बंद करने के लिए जो इंसिडेंट है जो बॉर्डर पे कि चाइनीज आर्मी ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, वो उन्होंने बोला कि जो वॉटरशेड है, जो है जो मैकमोहन लाइन है, उस पर उन्होंने तार लगाना शुरू किया था। जब तार लगाना शुरू किया, ये अगस्त में काम शुरू हुआ, वो चाइना से काफी ऑब्जेक्शन हुआ कि आप हमारी सीमा पे लगा रहे हैं। उन्होंने बोला, जनरल साहब ने बोला कि मैं अपनी सीमा पे लगा रहा हूँ और आपका आना जाना जो आप रोज अंदर घुस जाते हैं, कभी ट्रेंच खोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, उसे वो सब बंद हो जाएगा। नाथुला पोस्ट पर चीन की सेना का दबाव बढ़ता जा रहा था। 1962 की जंग के नतीजों से उनका गुरूर सातवें आसमान पर था। तब सगत सिंह के पास दो विकल्प थे। पहला कि वो सेना के आदेश की अक्षरश पालना करते हुए पोस्ट खाली कर दे। दूसरा विकल्प मुश्किल था, जिसमें वो सेना के आदेश की नाफरमानी कर पोस्ट को बचाए। सगत सिंह ने ये मुश्किल विकल्प चुना। सामरिक नजरिए से सिक्किम का नाथुला पोस्ट भारत के लिए अहम था। उस समय ये भारत तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता भी था। फिर सगत सिंह ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने सीमा पर कटीले तार लगाने शुरू कर दिए। डिफेंस हमारी सीमा में, हम फेंसिंग नहीं लगाएंगे और सुमरन नहीं लगाने देंगे, कोई काम नहीं रोकेगा। चीन ने भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद सपने में भी नहीं की। सीमा पर फेंसिंग करना उनको रास नहीं आया और चीन की सेना ने भारतीय जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। झगड़े शुरू हुए और ये जो आमने सामने चाइनीज आर्मी था, ये एकदम आमने सामने आते थे अपने राइफल बनेट के साथ लगे हुए। और जब ये तार बढ़ती गई और ये डबल होती गई, तब चाइनीज आर्मी ने इंडियन जो आर्मी थी और इसमें इंजीनियर थी, 70 इंजीनियर की कंपनी थी, वो उन पर उन्होंने फायरिंग की। पूरी तरह से बिदके चीन ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को 27 अगस्त 1967 को नाथुला की तरफ भेज दिया। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। चीन की फौज तादाद में बहुत ज्यादा थी, फिर भी भारतीय जवान उनका जमकर मुकाबला करते रहे। तभी भारतीय सेना के एक सीओ को गोली लग गई। इससे बौखलाए मेजर जनरल सगत सिंह ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन पर आर्टिलरी फायर का आदेश दे दिया। नाथुला के ऊपर तैनात भारतीय तोपों ने नीचे चीन की सेना पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। नाथुला का जो सबसे ऊंची जगह है, वहां पर इंडियन आर्मी के ट्रूप्स और इंडियन आर्मी के आर्टिलरी अफसर बैठे हुए थे और उनको पूरा नीचे चाइनीज आर्मी का पूरा दृश्य उनके सामने आ रहा था। तो उन्होंने पूरे चाइनीज के जो डिफेंसेस थे और जितने भी जो रीइन्फोर्समेंट आ रहे थे, उन पर ऐसी बुरी तरह आर्टिलरी शेलिंग की और इनके ऐसा बुरा नुकसान हुआ कि सारा ऑपरेशन खत्म हो गया। चाइनीज ने बोला कि आप सीज फायर करो। ये पहली बार है कि हमने नहीं बोला कि सीज फायर करो, उन्होंने बोला। तोपों के हमले से चीन की सेना में खलबली मच गई। चीन के कमांडर ने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि भारत की सेना तोपों का इस्तेमाल करेगी। सगत सिंह के युद्ध कौशल और भारतीय सेना की जाबाजी के आगे
चीनी सेना टिक नहीं पाई। 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। फिर चीनियों ने सफेद झंडा फहराने में ही भलाई समझी। इसके बाद आज तक चीन ने सिक्किम के नाथुला पोस्ट की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं, क्योंकि ऐसा सोचते ही लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का चट्टान सा चेहरा आज भी याद आ जाता है। ১৯৬৭ में सगत सिंह ने जो वीरता दिखाई वैसा शौर्य 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी देखने को मिला। 1971 में पाकिस्तान की पूरी हार हुई, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। 1971 की पाकिस्तान को शिकस्त देने में सगत सिंह के शौर्य का बड़ा हाथ था। 1971 की जंग की कहानी सगत सिंह के बिना अधूरी है। तो देखते हैं 1971 की जंग में सगत सिंह का पराक्रम, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। Pakistani prisoners of war now in Dhaka's cantonment should fear the Bengalis' vengeance. ये तस्वीरें आज भी पाकिस्तान को छलनी करके रख देती हैं। जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर करते हुए बांग्लादेश की जंग में भारत से हार मान ली थी। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जीओसी इन कमांड ऑफ द इंडियन एंड बांग्लादेश फोर्सेस इन ईस्टर्न थिएटर एक्सेप्टेड द सरेंडर। इसके बाद ही पाकिस्तान हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बट गया। उन्नीस सौ इकहत्तर की जंग की ये कहानी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के बगैर अधूरी है, जिनके अदम्य साहस और रणनीति बनाने के अद्भुत कौशल के सामने पाकिस्तान की पूरी सेना पस्त हो गई थी। 1967 में सिक्किम के नाथुला में चीन को मात देने के बाद सगत सिंह मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। 1970 में इनको असम के तेजपुर में तैनात किया गया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना का जुल्म बढ़ने लगा था। पाकिस्तान के अत्याचार से तंग आकर बांग्लादेशी भारत पहुंचने लगे। इससे त्रिपुरा में शरणार्थी संकट पैदा हो गया। तब हालात को संभालने के लिए सगत सिंह को त्रिपुरा मूव करने के लिए कहा गया। बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे, जो त्रिपुरा में शरण ले थे, उनको इन्होंने बोला कि साहब मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आप मेरी रोड और जो ट्रैक्स हैं उनको आप ठीक करो और मैं आपकी देखभाल करूंगा, आपको मेडिकल हेल्प दूंगा, आपको खाना खिलाऊंगा। किसी पर पैसा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं, और थोड़ा बहुत पैसा आता है सरकार से, मैं आपको जितना भी आता है वो सब आपको मैं दूंगा। तो इन्होंने अब आप देखो इनको इस्तेमाल किया, सारा अपना जितना भी बॉर्डर था उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान, जितने भी रोड और ट्रैक थे उनको उन्होंने बिल्कुल सही कर दिया अपने ऑपरेशन के लिए, अपने हिसाब से। त्रिपुरा में काफी तादाद में बांग्लादेशियों के जमा होने से पाकिस्तान ने अपने तोपों का मुंह त्रिपुरा घुमा दिया। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की पूरी बटालियन त्रिपुरा में थी, सारा गोला बारूद और रसद वही था। खतरा देखकर सगत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की एक छोटी सी बटालियन ने पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश त्रिपुरा के कई सीमावर्ती इलाकों से भगा दिया। जब ये लड़ाई जनरल साहब ने शुरू की थी नवंबर में ही, क्योंकि क्या हो रहा था कि पाकिस्तान की आर्टिलरी जो थी, तोपखाने थे, वो त्रिपुरा उनके गोले त्रिपुरा में गिरते थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा हेडक्वार्टर यहाँ पर है और यहाँ गोले गिर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये तो काम नहीं चलेगा। तो फिर इन्होंने नवंबर में